नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को आयोजित महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर आयोजित मिलन समारोह में सैकड़ों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने आए लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा में जो आता है वह राष्ट्र निर्माण और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए आता है। मिलन समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि यह कार्यक्रम भले ही पटना महानगर का है, लेकिन राज्य के अधिकांश जिले के लोगों ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि आज सभी लोग महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन महात्मा फुले उन पहले लोगों में शामिल थे जिन्होंने बालिकाओं के साक्षर बनाने की बात की शुरुआत की थी। आज उसी सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि इस बिहार में नालंदा और विक्रमशिला ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां देश विदेश से छात्र भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिहार में आते थे। सम्राट चौधरी ने एक नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर सरकार को आड़े हाथे लेते हुए उन्होंने कहा कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कहा था शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को सीधे नियुक्ति की जाएगी, लेकिन अब प्रतियोगिता परीक्षा के नियमावली बना दी गई है। क्या कुछ कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने, आइए सुनिए। जरूर ये याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ से बंद कर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जी को याद दिलाना सिर्फ चाहता हूँ कि ईडी हमने नहीं बनाया, ईडी कोई नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नहीं बनाया। ईडी तो स्वयं श्रीमती गांधी के राज में ही बना है और कार्रवाई तो उसी समय से शुरू हुई, और सीबीआई का भी स्थापना तो स्वयं कांग्रेस के लोगों ने ही किया है। और कोई नई व्यवस्था यदि नरेंद्र मोदी जी ने किया हो तो ये बताएं, लेकिन श्रीमती गांधी को ये बताना चाहिए उनके बेटा के द्वारा ही लालू प्रसाद जी की सदस्यता समाप्त हुई, तब तो बड़ा अच्छा था। लालू प्रसाद जी के खिलाफ ऑर्डिनेंस फाड़ने का काम राहुल गांधी जी ने किया, तब तो इस देश में किसी लोगों ने विरोध नहीं किया, कहा लोगों ने कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो रही है। आज यदि खुद कुआं खोदे और उसी में गिर गए तो इसकी चिंता तो उनको स्वयं आत्ममंथन करना चाहिए। नहीं, हमारा स्पष्ट है, नियमावली का मैं कोई विरोध नहीं करता हूं, आगे के दिनों में बहाली हो इस तरह की प्रक्रिया से, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है कि 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली हम करेंगे, ये एनडीए सरकार का कमिटमेंट था तो ये पूरा होना चाहिए। लेकिन 80,402 जो शिक्षक जिन्होंने एसटीईटी की परीक्षा पास की थी, जिसको की गारंटी तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने, कमिश्नर ने और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने जो कमिटमेंट दिया था, उस कमिटमेंट का क्या होगा? जो पुराने लोग बहाल हुए उनकी चिंता कौन करेगा? आप यदि नियमावली बनाकर सिर्फ बिहार के लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं तो ये ठीक नहीं है। जाना ही चाहिए, हम तो नीतीश जी को खोज रहे हैं कि दिल्ली में जाए, बम्बई जाए, क्योंकि वहाँ पहले से कग वो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बैठे हुए हैं, कलकत्ता जाएंगे तो वहाँ ममता दीदी जी बैठी हुई हैं, तेलंगाना जाएंगे तो केसीआर बैठे हुए हैं, चेन्नई जाएंगे वहाँ आपको स्टेलिन बैठे हुए हैं, तो इनका स्वागत यदि वहाँ के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार करेंगे तब तो आगे की बात होगी। ये अपना सपना देख, बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।